इस बटरफ्लाई माइन के ब्लास्ट में इस बच्चे ने अपने हाथ गवा दिए। इस बच्चे का कसूर बस इतना सा है कि खिलौना समझकर इसने इस माइन को उठा लिया और इस तरह से ये ब्लास्ट हो गई। चलिए समझते हैं कि PFM-1 माइन में ब्लास्ट कैसे होता है। ये PFM-1 यानी बटरफ्लाई माइन तीन पार्ट से मिलकर बनी है। पहला ये मोटा विंग जिसमें लिक्विड एक्सप्लोसिव भरा है, दूसरा ये पतला पंख और तीसरा इसके सेंटर में लगा ये फ्यूज। बटरफ्लाई माइन का यूज दुश्मनों के मूवमेंट को रोकने के लिए किया जाता है। जहाज से इन माइंस को एक साथ गिराया जाता है और इस तरह ये धरती पर आ जाती हैं। प्लास्टिक की बनी ये बटरफ्लाई माइंस खिलौने जैसे दिखने की वजह से लोग इसे उठा लेते हैं। हल्के से प्रेशर से इस लिक्विड एक्सप्लोसिव और फ्यूज असेंबली के बॉटम में लगी ये पिस्टन रॉड इस डेटोनेटर और कैप्सूल डेटोनेटर को पुश करती है। इससे स्ट्राइकर असेंबली पुश होती है और इस स्ट्राइकर को होल्ड करके रखी हुई ये बॉल हटने से स्ट्राइकर ताकत से इस प्राइमर पर टकराता है। प्राइमर से निकली चिंगारी इस कैप्सूल डेटोनेटर को इग्नाइट करती है और कैप्सूल डेटोनेटर डेटोनेटर को जलाता है। फिर ये हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड फायर के कॉन्टेक्ट में आते ही इस तरह का जोरदार ब्लास्ट करके हाथ के चितड़े कर देता है। कंपेरेटिवली आसान है ना 3D में कॉन्सेप्ट समझना। तो और 3D वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ।